नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम बगरू विधानसभा के कलवाड़ा क्षेत्र में आई हुई है। नहीं नहीं, आगे आइए आप। आगे रोड बंद कर दिया गंगा देवी बंद करी रोड को, तो गंगा देवी बिल्कुल बेकार काम है सर। कोई मतलब नहीं है, कोई इलाका नहीं है गंगा देवी। हमारा जो रोड का मसला चल रहा है उसको भी खुला के फिर वापस बंद कर दिया। गंगा देवी कहीं करी, कहीं कौन करी गंगा देवी, कुछ नहीं करी। मोदी कोई मतलब नहीं, मोदी सारी जनता डाला दियो। नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम बगरू विधानसभा के कलवाड़ा क्षेत्र में आई हुई है। आपकी हमारे दर्शकों के लिए हम दूर दूर के गांवों में जाकर वहां के जनता से पूछते हैं क्या है उनकी विधानसभा का हाल। आज हम कलवाड़ा क्षेत्र के लोगों से जानेंगे क्या है उनके विधायक का अभी तक का रिपोर्ट कार्ड और 4.5 साल तक का कार्यकाल। चाचा राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? कल्याण साय जी। अभी तक विधायक कौन है आपके यहाँ पे? गंगा देवी जी। कैसा काम है? बढ़िया काम है सब। क्या क्या समस्या है अपने यहाँ पे? समस्या तो कहीं से मंगा, रोड की ज़्यादा तो बंद हो सकी, खुल रही कौन और समस्या से कौन भी बढ़िया टाइम हो काम तो। और गहलोत साहब ने काम अच्छा किया है, देखो सबकी का नाम पेंशन बढ़ा दी और गेहूँ दे रहे फ्री और बीमा की 10 लाख को बीमा कर दिया। 25 लाख? 10 लाख को बीमा होते ना वो बीको, 10 लाख को दुर्घटना बीमा होते, 25 लाख को वो स्वास्थ्य बीमा जी। और कहीं जाए बढ़िया काम करे भाई, काम अच्छा करे। गहलोत साहब, गहलोत साहब ने बढ़िया काम किया है। इससे पहले विधायक तो अपने बीजेपी के थे? पहले बीजेपी के थे वो कैलाश वर्मा। क्या? कैलाश चंद्र वर्मा जी। कैलाश चंद्र वर्मा साहब विधायक आ, तो आपकी आपकी जनता हर बार एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस को चुनती आ रही है। हाँ जी, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, कैसे ये सब कैसे चला आ रहा है? वो तो जनता को ऊपर है, आप देखो परिणाम जनता निकाल दी, क्या होता है क्या नहीं होता है। चेंज करने का कारण, बदलने का कारण? अब बदलने का कारण तो कुछ नहीं, तो में फर्क हो जाता है उसलिए हो जाता है। और क्या भाई, कोई का वाह सही नहीं होता तो चेंज हो जाती है। और क्या सरकार, बाकी गंगा देवी ने ठीक किया, हम 10 साल विधायक रह चुकी। हाँ, दूसरी बार विधायक रही, इससे पहले बीजेपी रही है। और गहलोत साहब ने भी पहले भी सेम रहा है। फ्री बिजली मिल रही है? मिल, आपको मिली है बिजली? दे रही साहब 100 यूनिट, तो 100 यूनिट तक लाइट नहीं, 50 100 यूनिट दे रहे थे। मिल रही है आपको यूनिट? बिल्कुल। अच्छा, आपको मिली है? आपको अभी ऐसे नाम क्या है आपका? मैं जानू सब जाना, आप बताइए। अभी चाचा ने बोला कि बोले फ्री बिजली मिल रही है, आपको मिली फ्री बिजली? मिल रही थे सब नहीं, सब नहीं मिल रही है। 100 यूनिट फ्री से स्थाई शुल्क, लोगों का कहना है कि सरकार ने बिजली तो फ्री कर दी 100 यूनिट तक की, लेकिन स्थाई शुल्क बढ़ा दिया अपना। स्थाई शुल्क जो है, जो अदर चार्ज जो चार्जेस होते हैं शुल्क होता है वो बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया खूब, बाद में कसर बोलनी पड़ेगी। तो वो भरपाई कर रही है सरकार वहाँ पे? भरपाई सरकार हम जनता से ही कर रही है। जनता से बोलो तो जी, सुकून लगाओ लो। और ये योजना काटी गहलो साहब, जो बढ़िया काटी है, बहुत बढ़िया बात करी। स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत बढ़िया बात, गंगा देवी जी की देखिए बढ़िया, जाति वाले मरवाड़ी भी तो आई जब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल लाल है साहब। ये देखो गांव का मुख्य रास्ता बंद कर रखा है सर जी इन्होंने, जो जब आते थे खुला देते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं और चले जाते हैं सर जी। मेन समस्या तो यही है, जो भी होगा वो सह लेंगे, लेकिन रास्ता तो ये, तो ये कोई घर का कोई मामला थोड़ी है ये, तो है मुख्य मार्ग बंद किया हुआ है। देख लो ना आप ही जा करके, आप अपनी आंखों से जा करके देख लो सर। क्या कारण है इस मुख्य मार्ग को बंद करने का? महिंद्रा सेज वाले कर रखे हैं इनका घर का रास्ता, महिंद्रा सिटी वालों ने बंद किया हुआ है। महिंद्रा सिटी वालों ने कर रखा है, 500 साल पुराना रास्ता है। ये क्या आपको मेन जो मुख्य मार्ग है आपका दूसरे रास्ते से जुड़ता है, क्या है कारण क्या है? 50 गाँवों से जुड़ रहा है ये, आगे पीछे बस ये 2 किलोमीटर में बंद कर रखा है। इनकी मनमर्जी चल रही है, जो आते हैं विधायक जी की मनमर्जी चल रही, किसकी चल रही है? विधायक जी भी आकर के खुला करके और फिर दूसरे दिन बंद करके भग गए।
और जो जो मांगे थी वो भी नहीं दे रहे हैं जो गांव वालों को। सर क्या क्या मांगे थी अभी तक की जो गंगा देवी जी को लाए दोबारा लाए, इससे पहले 2013 की जब बात करें तो विधायक यहाँ पे वर्मा जी थे, वो तो यही बताएंगे, सरपंच साहब बताएंगे, और ना कोई वर्मा जी ने हल किया और ना कोई गंगा देवी जी ने हल किया, किसी ने हल। क्या क्या वादे किए थे गंगा देवी जी ने? गंगा देवी जी ने तो वादे तो आकर के कर जाते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं। क्या वादे किए, क्या वादे किए थे? यही बोलते थे हम, ये रास्ता खुलवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, और कुछ भी नहीं करवाते, आकर के चले जाते हैं वोट ले करके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। साढ़े चार साल तक में स्कूल कितने बने हैं अपने यहाँ पे, या फिर कुछ भी नहीं बना, जो है वही है, कुछ भी नहीं बना, बस ये एक ये हॉस्पिटल बना है बस। ये हॉस्पिटल है या फिर क्या? एक तो ये तो स्वास्थ्य केंद्र है, ये तो डिस्पेंसरी की तरह है। हाँ बस यही बना है बस, और कुछ भी नहीं। अगर गाँव में किसी को बड़ी समस्याएं होती है तो फिर कहाँ जाते हैं आप लोग? वहाँ जाओ, वहाँ अकरोटा जाओ, या बगरू जाओ, या सांगानेर जाओ, कहीं भी जाओ। गाँव में कुछ नहीं है अभी? कुछ भी नहीं है, या क्या कुछ भी नहीं है। स्कूल कितने तक का है? मतलब वो 12वीं तक का पढ़ा हुआ है, वो शुरू से अभी तक से 12वीं तक ही है। शुरू से 12वीं तक है। हाँ। गंगा देवी जी ने कुछ नया नहीं किया आपने? ना कोई नया किया, ना कोई पुराना किया, जो वैसे के वैसे ही पढ़ा, कुछ भी नहीं किया। आप युवा हैं? यस सर। तो पढ़ते हैं, तो पेपर लीक का मुद्दा आपको पता ही है, एक बड़ा मुद्दा है, कहीं भी पेपर देने जाते हैं तो उससे पहले पेपर लीक हो जाते हैं हर जगह। यस सर। हाँ। तो आप जब एक यूथ की तरह देखते हैं, आप एक पूरी साल भर मेहनत करते हैं, लंबे समय तक परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि आप जो जिस पेपर के लिए पढ़ रहे हैं वो पेपर पहले लोगों के पास पढ़ने के लिए पहले पहुँच चुका है। यस सर। हाँ, पहले पहुँच जाता है ये। सरकार को इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसकी पहले से गाइड करना चाहिए इनको। लेकिन कांग्रेस पे इसके आरोप लगते हैं, गंगा देवी जी आपकी कांग्रेस की विधायक हैं आपकी? वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ नहीं करती? नहीं। वर्मा जी ने कैसा काम किया था इससे पहले? वो भी कुछ भी नहीं। तो विधायक जी को बदलना है, गंगा देवी जी को बदलना है, किसको लाना है फिर? अब तो कोई नया ही। जनता आप हैं, आप चुनने वाले लोग हैं। सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए बस। अच्छा, पर काम तो गंगा देवी जी ने किया ही नहीं। सर नहीं किया है, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री जी तो कर रहे हैं। नहीं, पर एक बात मुझे बताइए, आपका जो विधायक होगा काम तो वही करवाएगा ना? आपके मुख्यमंत्री के पास ही जाएंगे? नहीं, अगर आप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे? नहीं, वो तो किसी की नहीं सुनती है, गंगा देवी जी नहीं सुनती, पर वोट कांग्रेस को देना है आपको, ये तय है। बस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं एक बार के लिए। भैया क्या नाम है आपका? धर्मचंद। करमचंद? धर्मचंद जी। धर्मचंद जी, बहुत अच्छा नाम है आपका। धर्मचंद जी, कैसा काम किया अभी तक गंगा देवी जी ने? अभी तक गंगा देवी बढ़िया करिए, काम बढ़िया काम कर रही हैं। हाँ। क्या क्या विकास, क्या क्या वादे किए थे उन्होंने, कितने उन्होंने वादे पूरे कर दिए? वादे लगाया रोड गेर की ज्यादा दिक्कत तो कुछ दिक्कत नहीं है ज्यादा। मुख्य मार्ग बंद करवा दिया मैंने सुना है ये वाला भी, कि मुख्य मार्ग जो आपको 50 गांवों से जोड़ता है वो काम विधायक जी एक दिन आती हैं खुलवा देती हैं, पर अगले दिन दरवाजा मुख्य मार्ग आती नहीं है, जल्दी से गाँव में तो। अच्छा, बार के बाद चल जाती है, बाहर से चल जाती है। फिर वोट किसे देंगे? फिर वोट मतलब तो कांग्रेस को देंगे वोट, तो कांग्रेस तो आते बात। पर गंगा जी आप तो बोल रहे कि आपके काम ही नहीं हुए, फिर कंडेट सारा अक्सर तोड़ी है तो बोर्ड तो पार्टी को थोड़ा भी मारा था कहीं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी काम नहीं हुए, भले आपका जो विधायक है वो कांग्रेस से है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है आपके, फिर कैसे वोट दे? क्या फर्क पड़ जाए तो? अब गंगा देवी कौन है वो मायो? अच्छा, अब विधायक जुड़ गए वो भी छो जाओ लो, यहाँ तो जरूरी नहीं है। अब गंगा देवी आगे तो फिर फर्क दे ना, अच्छी बात, कैंडिडेट का मार दे वो तो। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि प्रत्याशी भले कोई भी हो पर आपको वोट कांग्रेस को देना? वोट कांग्रेस को देना। अच्छा क्या है, अच्छा क्या है कांग्रेस ने? पेंशन लागू गई है कांग्रेस ने, गाँव दे रही है, और ये चंद योजना सरकार की बीमा योजना, और पेंशन बढ़ा दी, बिल फ्री कर रखी है, और क्या चीज़। लेकिन अभी जैसे और भी लोगों से बात कर रहे थे तो वो तो बोल रहे थे कि बिजली तो फ्री कर दी है लेकिन उनके शुल्क हैं वो बढ़ा दिए हैं, ये बात आपको भी पता होगी। ये बात तो कह सकते हैं लोग, कहने में तो क्या है, कहने में क्या कुछ कर सकते हैं। आपके बिल में कुछ कमी हुई है? आपके बिल में आते बिल में आ रहे हैं सर, शुल्क कितना आ रहा है? इतना तो सही ऊंटा तो बिल आओ बाहर सब जाना था आप, जब बिल वो सेम ही आ रहा है, उतना पहले जितना आ रहा था अभी उतना ही आ रहा है, बस एक रेबड़ी बांट दी आसन भाषा में कहें तो। उनटा का साहब जाओ तो जिस 100 का 100 का पैसा, 200 का पैसा ले लिया, बिना एंटर की बात है, जितनी खर्च कर लो जितनी आओ लो बीत लो, सही है गलत बात यार। अब जनता तो कहीं भी खरीदी भी कहीं। नमस्कार अंकल, आगे जाइए। क्या नाम? आगा नेताजी। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार शर्मा। शर्मा जी, गंगा देवी जी का कैसा काम रहा है अभी तक? बिल्कुल खराब। बिल्कुल खराब है, कैसे बताइए? कैसे कोई विकास नहीं है, तलवाड़ा के अंदर विकास नहीं है, विकास नहीं है, कैसे कुछ भी नहीं है, पहले था वो हुआ है यहाँ तो विकास, मतलब आप कह रहे वर्मा जी ने जितना काम करवा दिया उतना ही हो गया, मतलब जो उससे पहले विधायक थे आपके बीजेपी भाजपा से उन्होंने करवा दिया जितना काम करवाना था।
अरे तो ही नहीं तो हमारे तो सरपंच ही करवा देते हैं। सरपंच करवा देते हैं, सरपंच को खड़ा कर दो फिर तो। सरपंच हो इधर इस बार। क्या नाम है सरपंच जी का? रामदयाल जी वर्मा। रामदयाल जी वर्मा, उनको समर्थन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, कैसा अभी तक का गंगा देवी जी के लिए? एक तरफ के लोग बोल रहे हैं अच्छा काम है, पर वोट कांग्रेस को ही देना है। हाँ, वो तो कांग्रेस को देना है, वो जो भी काम किया अच्छा काम कर रहे हैं। किसने? गंगा देवी। नहीं, नहीं, नहीं। आगे आइए आप। रोड बंद कर दिया गंगा देवी, बंद करी रोड को तो उसको क्यों देना है? गहलोत को देना है अभी तो। गहलोत साहब को वोट देना है साहब। पर गहलोत जी थोड़ी यहाँ से विधायक बने। यहाँ से तो रोड खुला बंद करवा दिया ऑफिस, रोड खुला के ऑफिस बंद करवा दी। नहीं तो पर आपकी समस्याएं तो का विधायक सुनेगा ना, गहलोत तो थोड़ी सुनेंगे आपकी आपकी समस्याएं। वो तो साहब देखो, गहलोत साहब करेगा ना वही काम होगा। अभी देखते नाला बंद, एक रोड बंद करवा दी हमारी, और ये काम तो अच्छा हुआ है जो हो रहा है। गाँव मिल रहा है। काम क्या अच्छा हुआ है बताइए। चलिए रोडा बन गई, सब काम बढ़िया ही हो रहा है। लाइट का भी बिल कम आता है। अच्छा, पहले 2,500 आता है, अब 800, 500, 700 रुपया, 800 रुपया कोई हजार है। आपके पास बिल, आपका कुछ बिल है आपके पास? आपका कुछ दिखाएंगे मुझे एक। थोड़ी सी घर घर पर है यहाँ थोड़ी है। और बाकी ये काम बहुत बढ़िया किया है, लेकिन हमारी तो एक तो रोड बंद करवा दी मैंने। पर आपकी बात चलिए मान लीजिए, आपकी सारी बात नाला भी नहीं बनवाया अभी तक तो पानी जी जो। आपकी बात चलिए मान लेते हैं कि आप वोट गहलोत को देंगे, लेकिन प्रत्याशी तो आपका सीधा गहलोत साहब तो होंगे नहीं, वो सीधे तो आपको वोट तो आपको उनके विधायक को देना पड़ेगा ना। वो तो मुख्यमंत्री है और आपके क्षेत्र से भी नहीं है गहलोत साहब। तो फिर आखिरी में लास्ट वाला बटन दबा देंगे, नोटा वाला, बस कुछ नहीं हुआ तो। पर नोटा से सरकार बनेगी नहीं। सरकार बनाने के लिए आपको किसी प्रत्याशी को चुनना पड़ेगा, ये आपको भी बताया ये बात तो। कांग्रेस को भले काम कोई ना करे, कुछ भी ना हो प्रत्याशी उनके पर, मतलब हमें तो गेहूं तो मिल रहा ना खाने के लिए। अच्छा, किसान है, क्या है आप? किसान। किसान है, क्या किया है किसानों के लिए? अगर अगर गंगा देवी की बात करें, उन्होंने क्या किया है? अभी तो हमें 2 बीघा जमीन है या 5 बीघा है, उसके लिए ये मिलता है, ये क्या खाद बीज। अच्छा, खाद उसके लिए पैसे मिलता है। पैसे मिलते हैं, कितने पैसे मिलते हैं आपको? अभी ये मिलते हैं 2,500-3,000 रुपये। अच्छा, ये मतलब किस हिसाब से मिलते हैं, महीने या फिर कैसा मिलता है मुझे बताइए? 6 महीने से मिलते हैं। अच्छा, 6 महीने फसल का हिसाब से, जैसे फसल होती है 6 महीने के अंदर में उस वो फसल। आपको मैं छोटी सी बात याद दिलाता हूँ, राहुल गांधी ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 10 दिनों के अंदर कर्जा माफ़ी करेंगे। नहीं, वो तो वो जाटा का गिरा था, माफ नहीं गिरा, माफ तो कहीं माफ को नहीं गया। आपके कुछ माफ नहीं हुए, पर वो तो सबके लिए बात थी वो तो। हाँ, सबके लिए बात थी, लेकिन वो हमारे तो वहाँ जमीन नहीं है, मेरी तो महिंद्रा ले ली पूरी जमीन गई। पूरी जमीन महिंद्रा खा गया आपकी? खा गया, रोड भी बंद कर दी सड़े। कुछ उसके पैसे मुआवजा कुछ मिला आपको? मिला, क्या मिला था, 1 रुपये में चमुनी आती है, जो चमुनी से क्या होगा। पर फिर भी देखिए, सरकार कांग्रेस की, विधायक कांग्रेस का, पर फिर भी वोट कांग्रेस को दे रहे हैं आप? हाँ, कांग्रेस को देंगे वोट तो। नहीं, पर जमीन आप बोल रहे हैं कि महिंद्रा सिटी जो है आपकी जमीन ले गए, आपको मुआवजा तक नहीं मिला, आपको जमीन चली गई आपकी, जो आप किसान आदमी के लिए सबसे बड़ी जमीन होती है वो जमीन चली गई आपकी, फिर क्या मतलब कांग्रेस का वोट देने का? हम तो कांग्रेस को देंगे, जाओ तो जाओ बोला सी। जमीन चले जाए पर खाओगे क्या फिर आप? खाने का मिल रहा नहीं, दे रही ना कांग्रेस, कब तक देगी फिर वो? आपकी खुद की जमीन नहीं बचेगी आप। दे रही जवाब दो, मान मिल रही तो गाँव गाँव मिल रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम भगवान साई। क्या नाम है? भगवान साई जोशी। भगवान साई जी, अभी तक कैसा काम है गंगा देवी जी का? गंगा देवी बिल्कुल बेकार काम है सर, कोई मतलब नहीं है, कोई इलाका नहीं है गंगा देवी हमारा। ये रोड का मसला चल रहा है, उसको भी खुला के फिर वापसी बंद कर दी उसने। क्या कहा, मतलब सभी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, भले वो बोल रहे हैं वोट कांग्रेस को देंगे, पर मुख्य समस्या एक मार्ग की है, क्या दिक्कत है, मतलब ऐसा क्या कारण है कि उस मार्ग को बंद ही कर दिया गया है? कोई भी कारण नहीं है इसमें, ये राठौड़ी में बंद कराया गया भाई, और हम क्या अब आगे वाले ये चुनाव आ रहे ना, इसमें से कोई मैटर खड़ा करना चाहते हैं हम, उसके बारे में कोई, हम अब की बार हमारा गांव का ये प्लान है, हम वोटिंग डालेंगे नहीं अब की बार। अच्छा, नोटा को वोट देंगे मतलब? नहीं, किसी को भी वोट देंगे नहीं, हमारा ये मकसद होगा रोड का, तभी हम वोट देंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पहले कि हमारा रोड का मैटर वो क्लियर हो। तो आपने जब गंगा देवी जी जब तक वोट मांगने आई नहीं है अभी तक, क्या भाजपा से कोई आया अभी तक? नहीं आई, वो तो चोर है, वो तो भगी हुई है यहाँ से। अच्छा, रोड ये रोड बंद करा के भगी हुई है यहाँ से गाँव में। अच्छा, ये फिर किसको वोट देंगे? वोट मैं बताया ना मैं आपको, हमारा रोड का मैटर है, वोट नहीं देंगे फिर आप? आपकी बार आपकी पंचायत में, हमारी पंचायत में ये मीटिंग चल रही है कि आपकी बार वोट नहीं डालना हमारे को, नहीं समझा? समझ गया। और यहाँ के लोगों से जब बात की थी तो बोल रहे थे कि रामदयाल वर्मा जी ने अच्छा काम किया, सरपंच साहब ने बढ़िया काम किया है। क्या काम किया बताओ, एक दो काम बताओ आपने। आप बताएंगे, जनता तो आप है। नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ सरपंच। मैं तो आपको वही बताऊंगा जब सुन रहा हूँ आप लोगों के बीच में से, जो भाई तो मैं भी तो यहाँ का ही नागरिक हूँ, इसलिए आपसे पूछा है।
इसमें कोई का नहीं तो सरपंच किया नहीं गंगा देवी की काम, हमारा मेन मुद्दा है ये रास्ता। वर्मा जी का कैसा काम रहा है पहले, जो पहले भाजपा से विधायक थे कैलाश वर्मा जी? हाँ कैलाश चंद्र वर्मा, उसका भी वैसा ही रहा, कोई ऐसा कोई नेता है नहीं जो हमारे जो काम हुए वो पूरा कर दे। तो विधायक को बदलना है पार्टी बदलनी है, सबसे आसान भाषा में मुझे बताइए। मैं ये नहीं कह रहा मैं पार्टी बदलूँ या विधायक बदलूँ, हमारा मुद्दा ये रोड का है। हम चाहे कांग्रेस वाला हो, अगर कांग्रेस वाला खुला देता है तो पूरे वोट में हम उसको दे देते हैं, अगर कोई बीजेपी वाला खुलाएगा तो हम उसको दे देंगे। मेन मुद्दा है हमारा ये रोड का। गंगा देवी जी को कितने नंबर देंगे 10 में से आप? 10 में से 0 दूंगा मैं। वर्मा जी को? कैलाश वर्मा जी को, कैलाश वर्मा जी को 5 नंबर दूंगा। हाँ क्या जी, किसको नंबर देंगे 10? पूरा 10 नंबर वर्मा जी को, कैलाश वर्मा को। अच्छा वर्मा जी को 10 नंबर देंगे, पर आप मुझे मुझे आपकी बात बड़ी अजीब लगी चाचा। आप बोल रहे हो कांग्रेस को वोट देना, पर वर्मा जी भाजपा से हैं। गंगा देवी जी उसका टाइम भी तो बंद ही रोड, कैलाश वर्मा का टाइम भी तो बंद ही रोड, उसको भी देना है पूरा वोट, जो और बंद करा दे नरसिंह मेरे गेट लग जाए। तो फिर आपकी आप अपनी बात हैं, हाँ बस हम बाहर नहीं निकले, हमारे वहाँ गेट लगा दे दो, एक टुकड़ा और ये बाकी है ना, ये इसको बंद करवा के और फिर ये एक गेट लगवा दे जब अंदर का अंदर रहे। आपके बाद वोटिंग कल बड़ा मुश्किल डेवलप के बाद, बाकी रोड को वो मैटर चादरी जो मैटर, अगर ये मैटर कोई भी सुलटाओ कोई भी नहीं सुलटाओ हम उसी को वोट देंगे। वोट मांगने तो कोई आया नहीं अभी तक, तो आएगा नहीं यार, ये तुम्हारी गंगा देवी तो आएंगे नहीं क्योंकि वो तो बागी हुई है चोरों की तरह। अच्छा नहीं समझे आप, ये लास्ट टाइम कब मिले आप विधायक जी से? ये जब रास्ता खुला था ना, ये कितना टाइम हो गया? 3-4 महीना बोला नहीं, 10 महीने की बात हो गई। उसके बाद में शकल भी नहीं दिखाई, पहले भी नहीं दिखाई, जीतने के बाद में शकल दिखाई नहीं उसने, एक बार दिखाई थी जो बग गई थी यहाँ से। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम अशोक कुमावत है। अशोक कुमावत जी कैसा काम है गंगा देवी जी का? क्या काम है, काम देख लो आप, गांव की देखो क्या दशा हो रही, क्या दुर्दशा हो रही देख लो आप, खुद ही दिख रहा होगा आपको। मेन मार्केट है पर सुनसान पड़ा हुआ पूरा मार्केट, जा रहा है अगर टाइम की बात करें 12:30 बज रहे हैं। हाँ तो जब ऐसे रहते हैं सारे दिन, रात को भी ऐसे ही रह गए यहाँ पे, कुछ नहीं है रोड का मामला भी बोल। और बाकी जो उनके क्षेत्र में विकास हो रहा है जो गांव से बाहर ही हो रहा है, गांव में कुछ नहीं हो रहा है, गांव में कुछ नहीं कर रही। देख रहे हो आप खुद ही देख लो क्या जैसे पहले था, 5 साल पहले वैसे भी है। बगरू में और कौन, कलवाड़ा के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं बगरू में? बगरू में जैसे यहाँ इधर चले जाओ आप जगतपुरा इधर तक, ये आगे तक है यहाँ पे लंबा चौड़ा है, वहाँ पे तो क्या हम तो बता नहीं सकते वहाँ के, हम हमारी यहाँ की बताए ना, बगरू पास में तो यही है लेकिन इसका कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ बिल्कुल कलवाड़ा जीरो है मतलब। आपको देख लो खुद ही थी कुछ, हमारे तो वैसा ही लग रहा, 5 साल पहले वैसा ही था और आज भी ऐसा कैसा ही है। अच्छा। पहले भी ये रोड बंद करवा दी थी, अभी भी ये रोड बंद ही है, कुछ नहीं किया। विधायक को बदलेंगे फिर? वो तो बदलेगा ही बदलेंगे, हम चाहते नहीं, हम तो विधायक बदलेंगे कहाँ से, हम तो हमारे तो ये है कि हम वोट ही देना नहीं चाहते हम किसी को भी। गाँव वाले सारे मिलकर तय यही कर रहे हैं कि वोट ही नहीं देना, वोट दे क्या करें जब हमारा कोई काम ही नहीं होता है, तो फिर हमारे वोट देने, हम हमारा समय खराब करें जब भी, मतलब जो वोट लेने आते हैं उनको समय नहीं है, मतलब पब्लिक के लिए समय नहीं है, तो पब्लिक क्यों निकालेगी समय उनके लिए? लेकिन वोट तो खराब जाएगा फिर आपका इस तरह से, वोट देंगे नहीं तो खराब कहाँ से, जब जरूरत ही नहीं हमारे वोट, जब हमारे गांव का विकास ही नहीं हो रहा तो हम वोट कहाँ के लिए दें? विकास के लिए सब वोट दिया जाता है, वोट उसी के लिए दिया जाता है, चलो ठीक है अपना कुछ विकास हो। लेकिन मुझे एक बात, चाचा इधर आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, मुझे चलो एक बात बताइए, आपने कहा वोट नहीं दोगे, पर लेकिन अगर वोट नहीं दोगे तो सत्ता में, देखिए बिना सत्ता में आए तो काम हो नहीं सकता, आपको भी हम देख रहे हैं 10 साल से काम ही नहीं हो रहा, क्या करें हम 10 साल, एक बार एक MLA को देख लिया सरकार बीजेपी से, उसमें देख लिया उसने नहीं किया, अभी अभी नरेंद्र मोदी कैसे आएंगे मुझे बताइए? लोकसभा के चुनाव डलवाएंगे। अच्छा पर मुझे आपने बोला कि सत्ता में नरेंद्र मोदी को लाएंगे, बिल्कुल आएंगे, काम करने आपके घर नरेंद्र मोदी आएंगे? बिल्कुल आएगा साहब, उस तो सब जान देता है कौन से राज्य में क्या काम हो रहा है। अच्छा वो एक ऐसा लीडर है हमारा देश था, बहुत विदेशों में भी आज उसकी धार जमी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी थी बहुत अच्छा। मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी जी कब से प्रधानमंत्री हैं? 10 साल हो गए। 10 साल बताइए कौन से साल में आए थे, पहला चुनाव कौन सा था? पहला चुनाव 10 में था, 2014 में जी। तो मुझे चलिए मुझे, तो आप बोल रहे हो कि 14 से प्रधानमंत्री हैं अभी तक, क्या फिर आपके पास तो आप बोल रहे हो कि सब पता होता है उन्हें, अभी तक तो विकास हुआ नहीं, मोदी ने तो किया नहीं विकास आपके यहाँ पे, तो फिर तो विकास क्यों नहीं दिया, अच्छे तरह विकास क्या नहीं दिया, आपके यहाँ पे काम हुआ है, मोदी ने आपके यहाँ पे काम किया है, सड़कें बनवाई आपके यहाँ पे, आपका सड़क खुलवा दी आगे वाला मोदी ने आके, वहाँ तो बात ही नहीं पूछा नहीं उनके साथ, कौन पहुँचाएगा, इसलिए तो मैं इसलिए तो मेरा सवाल, सरकार पहुँचने नहीं देती आधे, तो इसलिए तो अगर आपका सबसे पहली सीढ़ी होती विधायक की, एक पहली सीढ़ी होती आपकी आपके सरपंच की, सरपंच से आगे फिर होता है विधायक, वो पहुँचाता आगे मुख्यमंत्री तक, तो फिर बताइए।
क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, क्या करते हैं धर्मेंद्र जी आप? हम काम करने आए, मैं एमपी का हूँ। एमपी से आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम चाचा। मन तो बनाओ महाराज, का ही तो काम, कैसा काम है? कुछ नहीं, आप बताइए कि आपको पेंशन मिल रही है? आपको मिल रही है? कौन दे रहा है पेंशन? गहलोत दे रही है। गहलोत दे रहा है? गंगा देवी दे रही है कुछ आपको? गंगा देवी तो कहीं को नहीं मान दो। अच्छा, हाँ कुछ दे रही है गहलोत, पेंशन दे रही है। गंगा देवी कहीं करी, कहीं कौन करी गंगा देवी? कुछ नहीं करी, कुछ नहीं करा। गया फिर वोट कैसे देंगे गहलोत को, क्योंकि उनकी प्रत्याशी तो नहीं की है? मतलब गंगा देवी जी तो है तो कांग्रेस से ही ना? हाँ, कांग्रेस में, कांग्रेस में ही है। आप वोट वोट गहलोत को देंगे तो आप कैसे भी कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, वोट तो कांग्रेस को गया फिर तो? खैर वोट जाओ, ध्यान ला कांग्रेस में, देंगे कांग्रेस को। काम नहीं हुआ पर वोट कांग्रेस को? वो तो मतलब कांग्रेस में वोट दो। अच्छा, वोट कांग्रेस को जाएगा? कांग्रेस में जाना। क्या क्या सुविधाएं दी कांग्रेस ने आपको? कांग्रेस ने क्या सुविधाएं दी आपको? सभी कर रही महाराज सुविधा, जैसे मुझे नाम बताइए दो के, क्या क्या सुविधाएं मिली है मुझे बताइए, थोड़ी सी सुविधाओं के नाम बताइए आप, क्या क्या सुविधाएं आपको मिली है? गाँव दे रही है, पेंशन दे रही है, कांग्रेस दे रही है, और जनता दे रही है। अदो की तो सुबेदार बिल का मैंने 100 यूनिट फ्री कर दिया। अच्छा, 100 यूनिट फ्री मिल रही है आप घर में आपको? हाँ घर में। अच्छा, और बस वो बस। और फ्री फूड पैकेट मिले आपको, जो खाने के जो पैकेट्स होते हैं ना, सरकार सब किसी को फूड पैकेट दे रही है खाने के, इसमें धनिया है, लाल मिर्ची है, ऐसी चीजें बस दिया था। अपना कहीं काम का कौन दिया? नहीं दिया कोई? हाँ नहीं, कोई बस काम में कौन आया? अच्छा, क्यों खराब खराब थे क्या थे वो? सब पूरे सामान खराब थे। अच्छा, बहुत गलत है वो सामान। मर्चियां भी बैठ जाओ, यहाँ गार गिजियाँ जी। कैसी थी यहाँ गार गिजियाँ? जो कोई मतलब मैं रोड़ी फेंक दिया, मैं तो फेंक दिया। पागल क्यों, गार थी बढ़िया। अच्छा, खराब थी मिर्ची पूरी? रहा पूरी मिर्ची का। वो मिर्ची देने वाला कौन था फिर? हाँ, मिर्ची देने वाला जो पूरे फूड पैकेट देने वाला था कौन फिर? ये सोसाइटी में दिया था। सोसाइटी ने किसको दिया होंगे? मुख्यमंत्री ने दिए होंगे, सरकार ने दिए होंगे? हमारा दियो था अभी, वो बताओ ना आप कौन दिए थे? वो माल मेट्रोल रहा खराब जो, वो माल मेट्रोल कोई काम को कर। अच्छा, मतलब आपको फूड पैकेट जो मिले वो खराब मिले हैं? पूरे खराब मिले हैं? पूरे खराब। अच्छा, कोई मतलब को? पर पेंशन मिल रही है आपको? हाँ पेंशन मिल रही है। कितनी मिल रही है? 1000 रुपये। 1000 रुपये मिल रही है आपको? मेन समस्या फूड पैकेट खराब मिले हैं पर आपकी पूरी तरह से? हाँ जी महाराज। फिर भी ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो फूड पैकेट जो मिल रहे हैं ना आपको, वो सरकार दे रही है। सरकार किसकी है? गहलोत साहब की। फिर आप फिर भी आप बोल रहे हैं वोट गहलोत साहब को देंगे? आप बताओ तो, आप बताओ तो, कांग्रेस ना वोट दो क्यों? आपके काम नहीं हो रहे हैं, आपके दरवाजा नहीं, आपका ये जो मुख्य मार्ग है वो नहीं खुल रहा है, आपको फूड पैकेट खराब मिल रहे हैं आपको, फिर भी पहली बार मिले? पहली बार खराब मिल गो? अच्छा, पहली बार में खराब मिले? पहली बार मतलब बताओ, सबका ही खराब है ऐसा खराब है जो? क्या क्या विकास हुआ अभी तक? चलिए, अब आपने तो गहलोत साहब की तो बहुत तारीफ कर दी आपने, गंगा देवी जी की बात कर रहे हैं क्योंकि विधायक तो वही है, वोट तो उनको जाएगा। तो गंगा देवी की बात यहाँ से, गंगा देवी आ गई एंड रोड खुला की मागी। अच्छा, 2 दिन रोड खुला, 13 दिन तो बाइक खुद ही बंद कराएगी। अच्छा, अब बिना वोट के दिया हम, ये लोग बोल रहे भाग गई वो तो? भागी की तो फिर भागी रही जी खड़ी। अच्छा, खड़ी भी रही जी, खुला भी दीजिए। अच्छा, फिर दोबारा बुलाए? दोबारा को नहीं, फिर अब तक दोबारा बुलाए आई नहीं? वो दोबारा बुलाए साहब को नहीं, कौन आई? कब बुलाए? दोबारा कब बुलाया आपने उनको? लेर बुला लिया था भाई, रोड मारा थे, रोड खुला कर थे, बंद करा दिया। आप बंदे की रोड आओ, फिर आई कौन दोबारा? यहाँ पे मैं अभी बाकी लोगों से बात कर रहा था तो बोल रहे थे कि उनकी जो जमीनें हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग किसान हैं, तो उनकी जमीन को महिंद्रा सिटी वाले लोग खा गए। मतबारा मोल लिया था बापड़ा खा का घोड़े, मोल लिया था बताओ? मोल लिया था। कितने मुआवजा आपकी जमीन गई है उसमें? हाँ गई, मैं तो बेची था 10 लाख रुपये बीघा में। 10 लाख रुपए बीघे में बेची? हाँ। बाकी लोग तो बोल रहे कुछ पैसा नहीं मिला, 25 पैसे मिले 1 रुपए देने पे। बस 25% आरक्षण दे दिया भाई, कोड़े आरक्षण दे दिया 25% न जिम्मी बेचाने बन आरण दे दिया। अब आरणा का बन तो करोड़ों रुपया बांट रहे। अरण मतलब आरण दूर जगह दे दिया बने। अच्छा, जमीन दूसरी जगह दे दी? दूर जगह दे दी। मुझे बात बताइए, पर आपकी आप रहते हैं, आप कलवाड़ा में हो, आपको जमीन मिल रही है बगरू से बाहर, तो क्या मतलब वो जमीन का मुझे बताओ? जैसे सपोज कि आप कलवाड़ा रह रहे हो, आप रहने वाले कलवाड़ा के हो, जमीन आपको बगरू के भी बाहर मिल रही है? देखो मैं कोई तो कलवाड़ा में भी दीज है, कोई ने बारे भी दीज, सारा ने बारे को दीज, कोई ने कलवाड़ा में भी दे दिया। अच्छा, बार चवन नहीं, और कोई ने बारे भी दे दिया। पर 1 रुपए का सरकार तो 1 रुपए का एक, अगर आपने 1 रुपए की जमीन है, आपको 1 रुपए मिलना चाहिए, पर आपको मिल तो 25 पैसे रहे आपको, तो 25% दी साहब, 25% दीजिए, 25 पैसे मिले आपको, 25% बस पूरा काम कर दीजिए, कागज पाड़ा बना निका प्लाट कार्ड रोड कार्ड भी दीजिए। पर नुकसान तो 75 पैसे का हो गया आपको?
नहीं तो आबार भी कमीन बढ़ गया नरा पैसा बिन पैसा बढ़ गया बा 25 पर दी ना जमी भी कमीन दूना पैसा बढ़ गया दूना तिगना ही बढ़ गया तो जित पाए तुम लोग बन फायदा मिल गया इसलिए वोट कांग्रेस को देना है। हां कांग्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। बड़े आप लोगों से बातचीत करके मेरे को अच्छा लगा क्योंकि आप लोगों की समस्याएं पूरी हुई नहीं है पर आपको समस्या तो ज्यादा गंगा देवी मार ली मान दो तो, अच्छा मतलब अगर सपोज मान लीजिए गंगा देवी को बदल देते हैं और नया प्रत्याशी कांग्रेस से आया था तो तभी भी वोट कांग्रेस को रहेगा तो कांग्रेस ना वोट अच्छा विधायक कोई भी आए भले कोई भी विधायक काम नहीं हो भले तभी भी विधायक कांग्रेस पार्टी ने कौन छोड़ा पार्टी ने कौन छोड़े हाँ जी क्यों ऐसा कारण क्या है पार्टी से लगा आपका कारण क्या सर उसको पार्टी ने छोड़ा मोदी मोदी को वोट देंगे मोदी नहीं डाला वोट भी मोदी नहीं डाला अच्छा पर वो तो भाजपा में फिर तो वो तो वहाँ छोड़ दोगे मोदी ने भी डाला वोट मोदी को देंगे देना वोट मोदी बाबा कोई काम तो कर वो तो काम तो बढ़िया करी करवा दो अच्छा ऐसी कोई बात कौन है और दुनिया दुनिया कोई तो बुरा बताओ तो कोई चोको भी बताओ आपको आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कौन है मोदी का लगता है कि मतलब कैसा लगता है अगर मोदी का चुनाव लोकसभा चुनाव भी आने वाले थोड़े टाइम बाद तो तुम्हारा मोदी मोदी कोई मतलब मोदी सर जनता लड़ा दियो जनता क्या लड़ा दियो पूरी जनता बर्बाद कर दी लड़ा दिया वो क्यों लड़ा कैसे दिया बताओ सारी चीज का नुकसान से तो महंगा ऑर्डर कर दियो सारी जनता पैसा कर दियो कोई टंगला कर दियो कोई काहे कर दियो ये चीज को यार बीमार कर दियो सारा ने अच्छा कैसे बीमार कर दिया देश का मेन है अच्छा हाँ महंगा बड़ा बहुत सारी बात आज लोग बोलते सामान जो देश की जो प्रॉपर्टी उनको बेच रहे हैं वो कैसे कि रेल बेच दिया ये सब वो ले ये बेच दियो जनता का जनता हाड़ी बेच दी बाप रे यार अच्छा जनता और बंदा आम से इसलिए कोर वोटर से आप कांग्रेस के आप लोग आप तो कांग्रेस के जनता बाहर लगा दे जा कोड़ा के ले जा नाम मल्ली को अरे नाम ही नहीं लेना नाम मल्ली बेकार पार्टी जा तो बेकार पार्टी है खला पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे कलवार क्षेत्र के विचित्र तरह के लोग इनका मानना है कि उनका जीते अरे कांग्रेस बढ़िया से गरीब के दास से अच्छा कांग्रेस गरीब के दास से कैसे दास कैसे कर रही होगी मुझे बताओ गरीबों पालन करे जवा कैसे पालन कर रही है मतलब जमीन चली गई आपकी मान लो मान लो गाँव मिल रहा है पीछा बा मासा का पास कर दिया कई कई भामाशाह तो पर वसुंधरा राजा ने दिया है वसुंधरा राजा माने पर नाम तो वसुंधरा हो तो नहीं नहीं भामाशाह कार्ड जो है अब कौन माने बात ने अरे तू बोले अरे तू जा पे पड़े पीवा भाई देखो सब तो बढ़िया काम है कांग्रेस से हां कांग्रेस का सबसे अच्छा काम है मतलब अच्छा काम बढ़िया है गरीब के दास भाई जे पीछा का चाहिए तो जनता बात तो पीछा लगी जे अच्छा गरीब के दास कांग्रेस की जे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे बगरू विधानसभा के कलवार क्षेत्र के लोग जिनका मानना है कि उनके विकास कार्य गंगा देवी ने कुछ नहीं किए हैं पर उनका वोट अशोक गहलोत को जाने वाला है। उन्हें फ्री बिजली मिली है लेकिन फूड पैकेट्स की अगर बात करें फ्री फूड पैकेट्स में उनको पिसी हुई ईंटें मिल रही हैं फूड पैकेट पूरे के पूरे उन्होंने फेंक दिए हैं खाने लायक उनके फ्री फूड पैकेट्स नहीं रहे हैं। और विकास कार्य में अगर बात करें तो उनकी गांव वालों की मुख्य समस्या एक यहाँ पे एक मुख्य मार्ग है जो इन्हें 50 गांवों से जोड़ती है और उस मुख्य मार्ग को गंगा देवी जी एक दिन आके खुलवा देती हैं और अगले दिन ही उस मुख्य मार्ग को बंद भी करवा देती हैं। और यहाँ के किसानों की मुख्य समस्या ये भी सुनने में आ रही है कि उनकी ज़मीन को महिंद्रा सिटीज़ ने हड़प लिया है उनको उसकी मुआवजा बहुत अगर उन्होंने 1 रुपये दिया है तो उसका 25 पैसे गाँव वालों को मिला है। आपको इसी तरह की विधानसभाओं के अपडेट्स आपको थिंक 360 के माध्यम से अब मिलते रहेंगे। अभी हमारी थिंक 360 की टीम आने वाले चुनावों में आने वाले समय में और विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और आपको बताएगी क्या है उनकी विधानसभा का हाल। कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल थिंक 360 जयपुर।